आपको वीट एलर्जी डिटेक्ट हुआ है, आपने रिपोर्ट आई है आपके पास और आपने देखा इसमें वीट एलर्जी आपको निकला है। पहली बात तो डरने की बात नहीं है, इससे खतरनाक होता है सिलियाक, सिलियाक डिजीज, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें खुद के ही अच्छे सेल खा जाता है, खुद के ही सेल अच्छे सेल आपके दुश्मन बन जाते हैं, खुद का ही इम्यून सिस्टम आपका दुश्मन बन जाता है, मगर आपको वो कुछ नहीं है, आपको एलर्जी है, वो भी वीट से, सिर्फ वीट से। मतलब वीट और वीट रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स हैं इस दुनिया में, बस आपको वो अवॉइड करना है, बाकी आप कुछ मर्जी खा सकते हैं, बार्ले राइस से भी खा सकते हैं, मगर वीट कंटेनिंग ब्रेड, वीट पास्ता, वीट कुकीज, आटे से बनी हुई, ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो पहले तो आप कंग्रेचुलेट करें, खुश हो जाइए, यू हैव डोंट हैव ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लाइक सीलियाक, जिसमें होता है केस, आपको एक सिर्फ एलर्जी है एक पर्टिकुलर फूड से, तो डरना नहीं है, बस प्रिकॉशन लेने हैं। बट मैं यहाँ पे आपको ये बोलूंगा, अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकता है, बहुत लोगों को डेथ भी होता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको, मेरा काम डराना नहीं है, आपके लिए बेस्ट नॉलेज देना है जिससे कि आप गलती से भी वीट या वीट की चीजों को छुए ना। तो आज से अपना गोल बना लीजिए, वीट फ्री डाइट, वीट फ्री डाइट लेना है, होटल जाए, रेस्टोरेंट जाए, उनको पहले बोलिए इसमें वीट का एक दाना तक नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, रैशेज आएंगे, नोजिया फील करेंगे, ऐसा लगेगा क्या हो रहा है आपको बॉडी को, उसको अवॉइड करने के लिए ये सारे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे आपको। ये होता उस ग्लूटेन के कारण ही, वीट में जो ग्लूटेन पाया जाता है और बहुत सारे ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जिनके कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, मगर आपको सीलियाक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिससे कि आपके फूड चॉइसेस बढ़ जाते हैं, आप काफी चीजें खा पाते हैं। सीलियाक वाले लोग तो ये नहीं खा पाते, बहुत सारी चीजें खा ही नहीं पाते, उनको तो परफेक्टली ग्लूटेन फ्री डाइट पे होना है, आपको सिर्फ वीट फ्री डाइट पे होना है, ठीक है, आप बाले राई और बाकी सारी चीजों से बनी चीजें खा सकते हैं। तो गुड, पता चल गया, सही वक्त पे आज से इम्प्रूव करें, आज से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। सावधानी वो जो कहते हैं, आपकी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आप जिस दिन सावधान नहीं हुए उस दिन ये दुर्घटना होती है। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी प्रिसाइज इन योर लाइफ, टेक केयर, नमस्ते, ऑल विल बी वेल, वी आर हियर टू हेल्प यू इफ यू नीड एनी गाइडेंस, एनी सपोर्ट।